भाई गॉड। दोस्तों देखो, ये देखो, इस समय हम सोलांग वाली रूट पे हैं और ये रास्ता भी नदी ने पूरा खत्म कर दिया है। और भाई गॉड यार, इतनी चौड़ी नदी तो मैं लिटरली कभी भी कहीं पे भी नहीं देखी है। देखो कितने सारे पत्थर हैं, पेड़ ही पेड़ हैं। ये देखो ये पूरी की पूरी रोड डैमेज हो चुकी है, आधी रोड। देखो मैं पीछे कैमरा करके दिखा रहा हूँ, ये आधी रोड खत्म हो चुकी है कम्प्लीटली। चौड़ाई देखो यहाँ पे नदी की यार। आओ आगे बढ़ते, देखते हैं और क्या मिलता है। ओए होए होए, यहाँ पे भी डैमेजेस हैं यार, यहाँ पे भी डैमेजेस हैं। यहाँ तक नदी आई हुई है, देखो इसने पूरा रोड तोड़ दिया ये वाला। और देखो कितनी शांत बह रही है इस समय, है ना, जैसे कुछ किया ही ना हो, सारी तबाही मचाने के बाद। ये देखो ये रोड पूरा का पूरा डैमेज कर दिया है। मुझे लग रहा है पानी यहाँ तक आया था, ये मलवा डाल के इन्होंने सेट किया है दोबारा रोड ना। ये देखो इतने पत्थर आए कहाँ से भाई गॉड यार, इतने पत्थर तो कभी इस नदी में थे ही नहीं, देखे ही नहीं। और देखो इस समय पानी बिल्कुल कम हो चुका है, साइडों से बह रहा है थोड़ा थोड़ा, पर डिस्ट्रक्शन इसने पूरी मचा दी है। इसने अपना काम पूरा कर दिया और अब मस्त मजे में बह रहा है ये नदी जो ये। ओए होए होए भाई साहब, ये देखो यार, ये तो अलग सा ही ब्रिज बना हुआ है। ये देखो दोस्तों, ये पूरी रोड डैमेज है। हम सोलांग वाले रूट पे जस्ट अभी चले ही हैं और अभी तक तीन ऐसे पैचेस देख लिए जिसमें आधी रोड कम्प्लीटली खत्म हो चुकी है। पानी का फ्लो कितना रहा होगा आप सोच के देखो जरा। और ये हम सोलांग की तरफ बढ़ते हुए, विकास जी ने स्कूटी के कान खींचे और मरोड़े हुए हैं। स्कूटी चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है। और एक और पैच देखो दोस्तों, ये देखो ये भी डैमेज हुआ पड़ा है पूरा का पूरा। ये देखो नदी आई है उधर से और इसने सब तोड़ ताड़ के निकाल दिया है यार। यहाँ पे देख रहे हो ये क्या बह क्या है, टी शेड। यहाँ पे तो यार प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ तो थी यहाँ पे ना। वो भाई ये बंदा तो नंगा खड़ा है यार, ये तो दिखा भी नहीं सकते हम ना, बंदा नंगा खड़ा था। यार शर्म भी नहीं है लोगों को यार। वो यार ये रोड कम्प्लीटली डैमेज है यार। देखो दोस्तों देखो, ये मैंने कैमरा कर दिया ऊपर, ये देखो ये रोड बिल्कुल ही खत्म हो गया था और ये मलबा डाल के दोबारा तैयार किया गया। ये देखो ये घर भी तबाह हो गए हैं। ये देखो ये पूरा का पूरा रोड डैमेज है, नया डंगा बनाया जा रहा है, नए तरीके से दोबारा बनाया जा रहा है। और ये देखो दोस्तों दोबारा से जिमनी, मैंने इतनी जिमनी देख ली यहाँ पे, जो लिमिटलेस जिमनी देख ली मनाली। मुझे लग रहा है सारी जिमनी मनाली में ही बिकी है। ये देखो यहाँ पे भी रोड डैमेज है, मुझे लगता है आपको प्रॉपर अपडेट मैं दे पा रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू कि इस समय कहाँ कहाँ पे डैमेजेस हैं एग्जैक्टली। और जिस हिसाब से डैमेजेस हैं, मुझे नहीं लगता ये बहुत जल्दी ठीक होने वाले हैं, क्योंकि काम तो चला ही नहीं हुआ, काम बंद पड़ा हुआ है। गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है। गवर्नमेंट को ये NH है और गवर्नमेंट को इसको एज सून एज पॉसिबल ठीक करना चाहिए। अब तो पानी भी नीचे उतर गया है, एटलीस्ट जो मेन रोड है, कनेक्टेड रोड है, एटलीस्ट इनको तो गवर्नमेंट को टाइम से पहले रिपेयर कर देना चाहिए, कम्प्लीटली बना देना चाहिए। बाहर देशों में देखो कितनी तेजी से काम होता है, जापान जैसी जो जगहें हैं 24 घंटे में पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के साइड कर देते हैं और यहाँ पे सालों साल लग जाते हैं। यही तो है अपने देश के हाल, क्या बोल सकते हैं। पर जैसा भी है अपना देश महान है। आई लव माई इंडिया, सारे कमेंट करो आई लव, जितने लोग अपने देश को प्यार करते हैं सब कमेंट करो फटाफट जल्दी जल्दी। ये देखो यहाँ से रोहतांग 48 मरही 31। चलो 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 चलो, लेट्स गो। और यहाँ टैक्स कटता है आगे के लिए, मुझे लगता है आगे भी अभी तबाही बाकी है। ये सारा का सारा रोड बैठा हुआ है। स्कूटी के तो बुरे हाल है। ओ भाई साहब, ये देखो जी, देखो जी, देखो ये अंदर सब पानी घुसा हुआ था इसमें। और ये देखो सामने रोड के क्या हाल है। आप बेस्ट ऑफ योर मेमोरीज से सोच के देखो, आपने आप इस रोड पे आए होंगे, आपको कैसी रोड थी। अभी देखो क्या हाल है। देखो पीछे का कैमरा करके दिखाता हूँ। ओहो यार, ये पानी यहाँ से आया था। ये देखो दोस्तों कनेक्शन समझो, ये पानी यहाँ से आया, इसने पूरी रोड को तबाह किया और निकल गया। वो पत्थर ऊपर तक आए हुए हैं सारे के सारे। टी हेडक्वार्टर, अच्छा जी यार कुछ खिला दो है भाई, भूख लगी है यार मुझ गरीब को। यार ये विकास जी ऐसे ड्राइवर है ना, जिन्होंने मुझे भूखा मार रखा है, सुबह से कुछ नहीं खिलाया, एक चाय पी के निकले थे हम।
बेरहम ड्राइवर, कुछ खिलाओगे? क्या खिलाओगे? क्या फोन करो, वो तो आगे आगे भागे जा रहे हैं। यहाँ पे नहीं है, वो कह रहा आगे आगे आते आओ, तो आगे निकल आए। बेरहम लोग हैं भाई, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बंदा भूखा मर जाए, है ना, चला ही नहीं रहे कुछ भाई, बस चलाए जा रहे हैं। आप वीडियो देखो यार, आप वीडियो एंजॉय करो, ठीक है, आप खाते रहो वीडियो देखते देखते, कुछ ना कुछ खाते रहो, मजा आएगा आपको, प्रॉपर अपडेट्स मिलेंगे। ये आ गया मोमो पॉइंट पे ना, यहाँ खाए थे ना सोनम ढाबा मोमो, आई देखो ये हम सोनम ढाबा मोमो पे आ गए, अब देखते हैं कुछ खाने को मिलता है। तो अभी हम लोग रुके हैं यार, लिटरली बहुत भूख लगी थी, और ये जो हमारे भाई साहब हैं इन्होंने सुन ली फाइनली, कहते चलो आपको कुछ खिलाई देते हैं। हम पहले भी यहाँ पे रुके हुए हैं, सोनम ढाबा है ये, यहाँ पे बहुत अच्छे मोमोज और चाइनीज़ आइटम मिलती है। तो अभी हमने ऑर्डर किया है एक वेज मोमो और एक वेज थुपका, अब देखते हैं, पहले तो टेस्ट अच्छा था, अभी इनका टेस्ट कैसा है वो अब खा के ही पता चलने वाला है ना। तो आप भी कुछ खा लो, थोड़ा रिफ्रेशमेंट ले लो, वीडियो होने वाली है बहुत मस्त, बहुत लंबी तो नहीं, लेकिन ये ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, क्योंकि हमने कवर बहुत कुछ करना है, राइट। तो जब तक हम कुछ खाते हैं, तब तक आप एक काम करो, आप वीडियो पे बने रहो और शेयर कर दो वीडियो ना, लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर लो चैनल, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो, राइट। देखो ये रूट सीधा जाता है अटल टनल और सोलांग की तरफ, और हम वेट कर रहे हैं अपने मोमो और तुपके का। ये आ गए अब हमारे मोमोज और ये थुपका, देख के तो डिलीशियस लग रहे हैं, अब खा के बताते हैं कैसे है। अच्छा है, टेस्टी है, पहले भी तो खाए यहाँ पे ना, टेस्ट सेम है या अलग है? वही है ना दोस्तों, ये सोनम ढाबा सोलांग वाले रोड पे, आप यहाँ रुक के ये इंजॉय कर सकते हो, चाइनीज आइटम बहुत अच्छी है। अब ये मोमो खा के निकल चुके हैं सोलांग वाले रूट पे, और ये देखो एक कैच, अगर आपको याद हो तो देखो यहाँ से व्यू बड़ा जबरदस्त आता है भाई, बेहतरीन व्यू है, ये सामने की तरफ नेहरू कुंड है पूरा, क्या व्यू है यार, अल्टीमेट भाई, मजा आ गया। रोडे खाली हैं बिल्कुल, भयंकर रोडे खाली हैं, ना बंदा है, दिल्ली है 4 नंबर, पंजाब नंबर 1 भी नहीं है, जो दिख रही है सब HP नंबर। ये देखो क्या सुपर सेक्सी व्यू है, आहा मजा आ गया, एक और कैची, यहाँ से और जबरदस्त व्यू आने वाला है, चलो चलो लेट्स गो। पहले इतने फूड वैन्स नहीं थे इन रोडों पे, पर अब काफी फूड वैन्स दिखते हैं। ये देखो दो कैचियां पार करने के बाद हम और हाइट पे हैं इस समय, और जितनी आप हाइट पे जाते रहते हो उतने जबरदस्त व्यू मिलते रहते हैं आपको। एक गाड़ी दिखी है 4 नंबर, और हाइट पे जाने का मजा ही अलग है। और अभी यहां से सोलांग सिर्फ 5 किलोमीटर रह गया और अटल रह गया 17 किलोमीटर, ले 421 बिगेस्ट जिप लाइन इन दिल्ली, सफल राइट। ये सारा जो एरिया है ये जिप लाइन के लिए काफी पॉपुलर है, यहाँ काफी जिप लाइन है, आप लोग अगर करना चाहें तो यहाँ कर सकते हैं। जैसे नीचे की तरफ सारा आपको राफ्टिंग के पॉइंट्स मिलते हैं, ऊपर की तरफ जितना आप आते हैं जिप लाइन के पॉइंट्स मिलते हैं। आराम से, अरे गौ माता हमारी है ये। इस समय कौन समय ड्रेसेस लेता होगा, ना बंदा है ना बंदे की जात, क्लाइंट है ही नहीं यार। उस तरफ बहुत प्यारी प्यारी प्रॉपर्टीज है, नहीं देखना उस तरफ छोटी छोटी बड़ी प्यारी प्यारी प्रॉपर्टीज है, है? राइट राइट यस यस
वो यहाँ पे है सोलांग वाली रूट पे। बड़ा प्यारा कैफे था, अल्टीमेट व्यू था। और ऊपर ऊपर जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, ठंड बढ़ती जा रही है, मौसम ठंडा होता जा रहा है। भाइयों अभी फाइनली हम पहुंच चुके हैं, सोलांग वैली सिर्फ 3 किलोमीटर रह गया और अटल 14 किलोमीटर। और बहुत ही प्यारा ब्रिज आने वाला है। इस ब्रिज पे मैंने काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो भी शूट करी थी बाइक से, याद है विकास जी, जब हम एक बार आए थे बाइक से, जब हमने वीडियो शूट करी थी यहाँ पे। बहुत प्यारी जगह है यहाँ पे ना, मतलब इट्स अ वेरी गुड लोकेशन फॉर शूट। अगर आप कोई शॉट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ ले सकते हैं, किसी फिल्म का, गाने का, शॉर्ट मूवी का, अल्टीमेट व्यू आएगा यार, है ना, मस्त व्यू। सोलांग कॉटेज एंड कैफेज, अब हम सोलांग वाले रीजन में आ चुके हैं और हमारी स्कूटी जोर खा रही है थोड़ा सा। और अब ये आ चुका है सोलांग वैली रिजॉर्ट। कितने लोग इस रिजॉर्ट में रुके हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके बताएं और कैसा एक्सपीरियंस था आपका। पहले इधर इतनी प्रॉपर्टीज नहीं थी, बट डे बाई डे मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज थी। हाँ, दोनों प्रॉपर्टी सेम ही प्रॉपर्टीज हैं, ऊपर नीचे दोनों सेम प्रॉपर्टीज हैं। देखो क्या मस्त व्यू है यार, अल्टीमेट। गाइस इससे आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि इस समय वैली में क्लाइंट तो बिल्कुल है ही नहीं, लोग है ही नहीं, टूरिस्ट आ ही नहीं रहे हैं, ठीक है। और कब तक दोबारा रीओपन होगा ये कहा नहीं जा सकता। कब से दोबारा से हिमाचल में चहल पहल लौटेगी, लोग आएंगे, टूरिज्म आएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। इस समय तो जितने भी प्रॉपर्टी और होटल ऑनर्स हैं सब के सब परेशान हैं हमारी तरह। और ये हम आगे बढ़ते हुए, ये देखो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं इस समय सोलांग। और देखो इस समय सन्नाटा छाया हुआ है। आप लोग जब भी सोलांग आए होंगे आपने देखा होगा कंप्लीट फुल ऑन रश होता है, गाड़ी खड़ी करने तक की जगह नहीं होती। और इस समय हाल ये है कि आपको एक गाड़ी नहीं दिखाई देगी बाहर की, सिर्फ लोकल्स की गाड़ी है जो यहाँ काम कर रहे हैं उनकी गाड़ियाँ हैं और कुछ भी नहीं है। ये देखो खाली बॉडी है सारी रोड, एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। क्या आप लोग ये रोड को पहचानते हैं, कितने लोग सोलांग आए हैं, फटाफट बताओ मेरे को जल्दी जल्दी। आए तो ऑलमोस्ट सारे ही होंगे क्योंकि रोहतांग के लिए तो कुछ मिलता नहीं है जब आइस स्नो होती है, तो मोस्टली लोग जो है सोलांग तक ही आके वापस लौट जाते हैं क्योंकि रोहतांग के तो रास्ते बंद होते हैं और सोलांग ही स्नो पॉइंट बचता है। इस समय देखो हम सोलांग में चल रहे हैं और बिल्कुल रोडें खाली हैं। क्या कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है, इतनी खाली रोडें एक्सपीरियंस करी आपने? और इस समय बारिश शुरू हो चुकी है, मतलब जब नीचे बारिश नहीं थी ऊपर मोटी मोटी बूंदें गिर रही हैं इस समय हमारे ऊपर। बस अब ये है कि थोड़ा सा हम सेफ पॉइंट पे पहुंच जाएं, बारिश ज़्यादा तेज ना हो। और ये देखो ये पूरा सोलांग का एरिया है जहाँ स्नो रहती है, पार्किंग रहती है। देखो इस समय सन्नाटा छाया हुआ है और बर्फ छोड़ो यहाँ तो। और ये देखिए यहाँ पे एक रास्ता आएगा, यहाँ से रास्ता है अंजनी महादेव जाने का। ये देखिए ये रास्ता है अंजनी महादेव जाने का, कॉमन वॉशरूम। और ये जो है आपका रोप वे है सोलांग का, मनाली पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन। ये देखिए दोस्तों रोप वे एंड स्की सेंटर, कैसे वीराना सा छाया हुआ है। आप सोचिए जब यहाँ टूरिस्ट होता है, यहाँ बर्फ होती है, यहाँ पे पैराग्लाइडिंग होती है, लोग आ रहे होते जा रहे होते। देखिए रोप वे, अगर मैं जूम करके दिखाऊं आपको, ये देखिए सारे जितने भी रोप वे हैं ये सारे के सारे इसमें क्या फायदा है, कौन आएगा यहाँ पे। और अब हम ये बढ़ चले हैं अटल टनल की तरफ। और अभी इसमें इस रोड की कंडीशन क्या है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिल ही जाएगा। डैमेजेस तो इधर भी हैं काफ़ी, ये देखिए
और मुझे लगता है विकास जी हमें कहीं रुक जाना चाहिए यार, बारिश बहुत तेज हो रही है, ऐसा ना हो हम गीले हो जाए। क्या कह रहे हैं रुकने की जगह टनल टाइप का, टनल से पहले तो जगह भी नहीं है रुकने की। हाँ तो सही, पर ये जिस हिसाब से बारिश तेज हो गई है ना, मुझे लगता है वहाँ पहुँचते पहुँचते गीले हो जाएंगे। स्कूटी खींचो आप ना, थोड़ी सी चल नहीं रही है, सांस ले रही है। ये देखो किस स्पीड पे चल रहे हैं हम दोस्तों, देखो आप ना 30 की स्पीड पे, और रेस इन्होंने भाई साहब ने फुल दे रखी है, लेकिन स्कूटी खींच नहीं रही। क्यों? क्योंकि इस समय चढ़ाई है ना। स्कूटियां बनी है शहरों के लिए, पहाड़ों के लिए नहीं। स्कूटी पहाड़ों में तो सिर्फ एंटॉर्क ही मुझे लगता है सक्सेसफुल है। स्कूटी से क्या आप लोग आए हैं कभी सोलांग, आए हैं इस तरफ आए हैं, क्या लगता है आपको बताइए जरा मुझे कमेंट करके। ये आ गया टनल, मुझे लगता है हमें चलते रहना चाहिए रुक जाना चाहिए, क्या बोलते हो आप? हाँ रुकना चाहिए चलना चाहिए कॉर्नर पे ना, चलो देखते हैं क्या बनता है। ये देखो दोस्तों, ये एक सेफ पॉइंट है जहाँ पे हम बारिश से बच सकते हैं, और मुझे लगता है रुकना समझदारी है। लेकिन ये जो बारिश है ये क्या लगता है रुकेगी? बूंदाबांदी तो आगे तक होगी फिर, है ना? क्या शर्ट सारी गीली हो गई क्या? आगे से हाथ वो फ्रंट फ्रंट पे तो, हाँ फ्रंट पे तो होती है। एचपी नंबर दोस्तों, एचपी नंबर ही देखो। हाँ व्यू प्यारा है, ये देखो मेरे चश्मे पे भी इतनी सारी ड्रॉपलेट्स हैं, बूंदे हैं कितनी सारी ना। मैं पीछे बैठा हूँ तो मैं थोड़ा सा सेफ हूँ, आगे वाला जो ड्राइवर भाई है वो तो गीला हो गया है, हमारे विकास जी गीले हो गए। और ये देखो आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ। नहीं नहीं वो नहीं दिखा रहा सर, मैं व्यू दिखा रहा हूँ, व्यू लोगों को ना। ये देखो क्या नज़ारे हैं, नहीं ये देखो अल्टीमेट मज़ा आ गया भाई। इधर मुझे लगता है इधर रोड ना, मैं अभी तक जितना हमने ऊपर की तरफ ट्रैवल किया है इधर इतने रोड डैमेजेस नहीं है जितना नीचे हमें मिले, क्योंकि ये नदी से बहुत ऊपर वाली जगह है, यहाँ पहाड़ और जो दरख्ते हैं वो खिसक आती हैं। ये देखो ऊपर इस तरफ पहाड़ है, जब तक पहाड़ ना गिरे इन रोड को कुछ नुकसान नहीं होता। शायद आगे थोड़ी सी लैंडस्लाइड हुई है वहाँ पे, ये देखिए दिख रही है यहाँ से, देख पा रहे हैं आप, यहाँ लैंडस्लाइड हुई है थोड़ी ना, बट ये रास्ता साफ कर दिया है। तो अभी तक का तो रास्ता हमें ठीक ही मिला है, नुकसान तो काफ़ी हुआ है, बाकी क्या बोल सकते हैं। देखिए आपको वीडियो में भी दिख रही होंगी बारिश की बूंदें, और आगे जाना कितना सही है नहीं है आगे जो हमारे दोस्त जा रहे हैं उनसे फ़ोन करके पूछते हैं। लेकिन यार ऊपर तो फिर से बूंदाबांदी हो रही है, बूंदाबांदी चालू है भाई फिर से, ये धोखा हो गया हमारे साथ बेटा। भाई लोग देखो हमारे विकास भाई शर्ट उतारते हुए, ये फुल हो चुके हैं गीले, भयंकर वाले गीले हो चुके हैं ये भाई। देखो हमें दोबारा एक टनल मिली है, इस टनल के नीचे हमने शरण ली है वापस। एक टनल में पीछे रुके हुए थे, हमने कहा चलो बारिश रुक गई आगे बढ़ते हैं, तो पता चला भाई ये देखो बारिश के नज़ारे, क्या बेहतरीन बारिश हो रही है, बारिश हो रही है बहुत तेज, और मैं भी हो गया हूँ गीला, और विकास सर तो हमारे पूरे ही गीले हो गए हैं। ये देखो मौसम बहुत ख़राब है, मुझे तो लग रहा है यार आगे जाना सही भी होगा इस समय बारिश में। ये देखो ये भी मैं अभी पूरा गीला हो चुका हूँ, सिर्फ हल्का सा ये बाकी है, ये शोल्डर वोल्डर सब गीले हो चुके हैं, और ये देखो जीन्स वीन्स सब गीली हो गई है यार। मतलब ऊपर नहीं आना चाहिए था, मुझे ऐसा लग रहा है ना, हम उन वाले उसमें थे ना टनल में वहाँ तक सही थे, उसके आगे तो बुरे हाल हो गए भाई, आगे बढ़ के गलती कर दी मुझे लग रहा है, सही फंसे हैं आज ना भाई। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, गीले हो रहे हैं आप भी बारिश कर दो यार लाइक की ना फटाफट प्लीज। हाँ देखो कितना पेन लेना पड़ता है यार वीडियो शूट करने के लिए, ये अपडेट देने के चक्कर में कहीं हम ना अपडेट हो जाए। ये देख रहे हो भाई को ये पूरा गीला हो गया है, शर्ट पूरी गीली है, निचोड़ो पानी आता है इससे। हाँ
पर शर्ट खराब हो जाएगी, क्रीच खराब हो जाएगी है। तो दोस्तों मैं बन गया हूँ जादू, ये देखो नीला नीला ओवरकोट पहन के रेनकोट जादू। भाई एक रेनकोट था लकली डिग्गी में, इस डिग्गी में तो पहन लिया मैंने। मैंने इन्हें बोला भाई साहब को पहन लो, तो ये कहते मैं तो गीला हो ही गया हूँ, मैंने क्या करना आप पहन के। मैंने कहा मैं तो बचू थोड़ा बहुत। ये देखो नीला नीला रेनकोट, अब मेरे को फील आ गई जादू वाली, अब मुझे चाहिए धूप। वो भाई बारिश फिर तेज हो गई, देखो दोस्तों बारिश फिर तेज हो गई, बारिश के मजे ले लो थोड़े से। बारिश 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 मेरे को तो आप भाई ऊपर तो मैं बच गया, अब जूते हो रहे हैं गीले। ओए होए यो बाबे, यहाँ पे भी हुई थी लैंडस्लाइड ना, यहाँ पे भी इन्होंने खड़ी कर रखी है यार। मतलब ये दूसरी छोटी छोटी लैंडस्लाइड हुई हैं अभी तक ना, दो इधर वाले रास्ते में। यार मैं सच बात बताऊँ, मेरे को ना बड़ा पछतावा सा हो रहा है, गलत निकल आया आज ना, ये मौसम गलत हो गया। अभी बात हुई है दोस्तों से, जिन जो हमें नीचे मनाली मिलने थे, वो कह रहे हैं वो पहुंच चुके हैं, अटल टनल पार कर चुके हैं। अटल टनल पार करके धूप निकली हुई है, कहनी हुई मैं गाइस धूप निकली है यार धूप। और हमें भी चाहिए बहुत सारी धूप, क्योंकि अब हम हो चुके हैं गीले और सुनने के लिए चाहिए धूप। ये देखो क्या खतरनाक डिजास्टर, देखो देखो आप लोग देखो मेरी वीडियो में, देखो जल्दी देखो, देखो ये पूरा ब्रिज ब्रिज सब खत्म हो गया है। देखो कितना खतरनाक, दोनों तरफ से भर भर के नदी आई है, नाला आया है, कुछ नहीं छोड़ा। ये देखो देख रहे हो हाल, ओए ओए कातिल मौसम है, कातिल भयंकर, मजा आ गया देख के ना। पर जो ये गीले हो रहे हैं ना बस, ये बुरा लग रहा है। ये देखो हम इस ब्रिज से आए हैं, बस यार ऊपर जाके धूप मिल जाए मजा आ जाए। यार उधर से भी ना पानी बहुत ज़्यादा आया है, पूरा का पूरा खोल दिया उसने रास्ता ही ना। और ये जो आई है वो तो आई है, कई सारे ऐसे छोटे बड़े नाले नदी नालों से बनकर ऊपर ग्लेशियर पिघल के ये व्यास नदी नीचे उतरती है। देख रहे हैं आप लोग, ये देख रहे हैं, देखिए इसमें। और इधर बारिश जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं शायद थोड़ी हल्की तो हुई है, पर यार सच में ना यार ठंडी हमारे ना ठंड लग रही है भाई को, तो दु 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 कप कपी आ गई। विकास जी क्या चल रहे, विकास जी क्या मजे आ रहे हैं भाई, गीला हो गया पूरा। ये देखो भाई क्या हाल, देखो मस्ती पहाड़ों वाली मस्ती अलग हो रही है भाई, मतलब ये फुल एडवेंचर है, अब इससे ज्यादा एडवेंचर क्या लोगे। इससे अच्छा एडवेंचर ऑब्वियस सी बात है यार, क्या मतलब क्या एक्सपेक्ट करते हो आप, है ना। मनाली में इतने सुनसान है ना, मनाली सन्न पड़ा हुआ है, बारिश में आगे बढ़ते हुए है ना, मौसम खुल रहा है, मौसम तो खुल रहा है। हाँ यार ऊपर मौसम खुल रहा है, इस वाली वैली में है ज्यादा ना परेशानी। देखो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट अ मोमेंट, ये देखो इस तरफ मौसम खुला हुआ है ऊपर की तरफ, ये देखो दिख रहा है आपको सारा आसमान खुला हुआ है। और ये देखो इस तरफ बादल छाए, प्रकृति का खेल है दोस्तों, प्रकृति का है, कहीं धूप कहीं छाया कहीं प्रभु की माया। ये देखो इसका मतलब दोस्त सही बोल रहा था जो ऊपर पहुंचा हुआ है भाई अपना, वो सही कह रहा था कि उस तरफ मौसम खुला हुआ है और इस तरफ बारिश है। और देखो अब बारिश भी हल्की हो गई है, क्योंकि जो बादल है वो दूसरी साइड है। अब जितने जैसे जैसे हम ऊपर आ रहे हैं, हमने एक पहाड़ी छोड़ के दूसरी पहाड़ी पे हम आए हैं, तो इधर देखो मौसम खुला हुआ और बारिश भी रुक चुकी है। समय तो बेहतरीन मौसम है, मजा लुका छुपी बहुत हुई सामने आ जाओ ना। ये देखो दोस्तों एक और ट्रैवलर, ये सारे ट्रैवलर एचपी वाले स्पीति वाले हैं, क्या बोलते हो, नहीं सारे शिमला से चले हुए स्पीति कवर करके, और अब आज मनाली में इनका टूर एंड होगा, यहाँ से फिर ये लोग दिल्ली की तरफ मूव ऑन करेंगे।
और आप तो यार चेक कर व्यू चेक कर गाइस, ये जो रोड है ना, इन रोडों पे चलने का मजा ही अलग है। ये देखो, ये देखो, चेक करो दोस्तों, चेक करो व्यू। बोलेरो तो नहीं है ये, स्कॉर्पियो का पिकअप था। बोल क्या सेक्सी है। यार भाई सही है यार, मौसम खुला हुआ मिल जाए ना आगे मजा आ जाएगा। धूप सही में निकली हुई है उधर यार, बारिश इसी तरह है। अटल टनल है 2 किलोमीटर, किलोंग 48, दारचा 78, सारचू 153, लेक 411। ले यहाँ से भी 411 है। अभी बहुत लंबा रास्ता है दोस्तों ले का ना, पर मजे आ लगे। पर जो भी हुआ भाई मजा आ रहा है। हाँ, क्या आप लोग भी एक सा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि रास्ते बहुत रिस्की हैं। हम तो हिमाचल में ही थे तो हमने कहा चलो थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं और आप लोगों को करवा देते हैं, इसलिए हम निकल आए। और बस आप लोगों का ढेर सारा प्यार बना रहेगा तो हम और भी ऐसे एक्सप्लोर करते रहेंगे आप लोगों के लिए दोस्तों। और हमारी स्कूटी बेचारी थोड़ी धीरे धीरे चल रही है क्योंकि हम इसको कंटिन्यूस चलाए जा रहे हैं ना, स्कूटी के लिए थोड़ी ना बने हैं रास्ते। मौसम में स्कूटी धीरे ही चलनी चाहिए। यस, अभी हम हैं 20 की स्पीड पे। चेक करो दोस्तों 20 की स्पीड पे हम इस समय ना। और इस समय कोई भी गाना चला लो, धूम मचा ले चला लो, कुछ भी चला लो, कुछ नहीं होने वाला। स्कूटी ने ऐसे ही चलना है। अरे कम से कम इससे आगे तो निकाल लो भाई, खींचो रेस दो। यस कम ऑन यस। सब्जियाँ जा रही है दोस्तों, सब्जियाँ जा रही है ऊपर की तरफ ना, सब्जियाँ जा रही है। देखो चेक करो भाई, इसको आगे जान दो या आप इससे आगे ले लो, क्योंकि पता है क्या, साथ साथ में चलना समझदारी नहीं है। सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं यार, व्यू देखो यार भाई। चेक करो अटल टनल से ज़्यादा नहीं, 2-3 किलोमीटर पहले हमें इस समय मिला है मेजर डिस्ट्रक्शन। ये रोड काफ़ी बैठी हुई है, ये देखो पीछे की तरफ करके मैं दिखाऊं, ये रोड काफ़ी बैठी हुई है, काम चला हुआ है यहाँ पे, पर लोग इतने नहीं है यहाँ पे। मैन पावर थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी। देखो रोड के बुरे हाल है। देखो पीछे की तरफ आप देखो, अटल टनल से ज़्यादा नहीं 2-3 किलोमीटर पहले ही ये रोड बैठ गई है। और अभी तक तो मुझे ऐसा कोई मेजर डिस्ट्रक्शन दिखा नहीं, यहाँ दिखा है थोड़ा बहुत, आगे देखते क्या मिलता है। और आगे तो अब थोड़ा थोड़ा सा बर्फ दिखाई दे रहा है बेड़ो। हैं, हाँ ये पेड़ तो आए नीचे, देखो ये पेड़ आया था गिर के नीचे, काट के हटाया गया है। अटल टनल आ गए दोस्तों, चेक करो अटल टनल आ गए, ये देखो।